हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनेद सऊ, केमिस्ट्री लेक्चरर एट गवर्नमेंट कॉलेज, और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजीएस पर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल की नीड क्यों हुई और पीरियोडिक टेबल की डिवेलपमेंट कैसे हुई, कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल की डिवेलपमेंट में अपना रोल पेश किया, और इसके अलावा हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की डिस्कशन करेंगे, लाइक एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीडेशन स्टेट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाइड्रेशन एनर्जी, और इसके अलावा डिफरेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ की डिस्कशन करेंगे, लाइक ऑक्साइड्स, हैलाइड्स एंड हाइड्राइड्स। तो आज के इस चैप्टर में कंप्लीट डिस्कशन होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप लोगों ने पेन और कॉपी नहीं निकाला तो वो निकाल लें और अच्छे अच्छे से नोट्स बनाते जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक न्यू चैप्टर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये चैप्टर डिस्कस करने से पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि पीरियोडिक टेबल की आखिर नीड क्यों हुई। बेटा, अ लॉन्ग टाइम एगो, एक लंबा अरसा पहले, few elements were discovered, और उन एलिमेंट्स को, उन चंद एलिमेंट्स को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना, उनकी फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताना, उनको अरेंज करना वॉज वेरी इजी। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो एलिमेंट्स वर इंक्रीजिंग, डिस्कवरीज ऑफ एलिमेंट्स वर इंक्रीजिंग। अगर आपको मैं ये बताऊं कि 1800 में, ओनली 31 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, only 31 elements were discovered, और 1864 तक almost 65 elements were discovered। अब number of elements with the passage of time increase हो रहे थे, और उन elements की physical properties बताना, उनकी chemical properties बताना, उनको arrange करना scientist के लिए एक problematic था। तो इसलिए periodic table की ज़रूरत पेश आई, पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट बहुत अहम थी, तो साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट पे काम किया। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हाउ पीरियोडिक टेबल इज डेवलप्ड, इसको देख लेते हैं। आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट में कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल पेश किया, उसमें अगर हम बात करें सबसे पहले तो जे बर्जीलियस का भी एक रोल आता है, जे बर्जीलियस। अल-राज़ी ने अपना रोल पेश किया, अल-राज़ी। इसके अलावा डोब्रेनर, न्यूलैंड, मेंडलीव, और एट द एंड मूज़ले। ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट में अपना रोल पेश किया। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। जे बर्जीलियस की बात कर लेते हैं। जे बर्जीलियस ने बेटा, इसका जो इम्पोर्टेंट रोल है, इसने एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज दरियाफ्त किए, ही डिटरमाइंड दी
एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स, इसने एलिमेंट्स के एक तो एटॉमिक मैस दरियाफ्त किए एंड सेकंड इसका जो रोल था वो था ही डिस्कवर्ड दी ही डिस्कवर्ड या नेम्ड दी सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, इसने एलिमेंट्स को सिंबल दिए। ये दो मेन इसके कारनामे थे जे बर्जीलियस के। इसने एलिमेंट्स के एटॉमिक मैस एक तो दरियाफ्त किए और सेकंड इसने क्या किया, इसने एलिमेंट्स को सिंबल दिए। ये एक स्टार्ट था पीरियोडिक टेबल का। और इसके अलावा अर्राज़ी, अगर हम बात करें अर्राज़ी की, अर्राज़ी, अर्राज़ी की जो क्लासिफिकेशन थी, इसके क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। अर्राज़ी की जो क्लासिफिकेशन थी वो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बेस्ड थी। और सेकंड इसने जो नेम दिया उसने एलिमेंट्स को डिवाइड किया मेटल्स और नॉन मेटल्स में। तो एलिमेंट्स की जो डिस्कवरी थी इसने एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, ही क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये बहुत स्टार्ट था, ये स्टार्ट की बात है, नॉन मेटल्स। तो ये अर्राज़ी का कारनामा था। इसके बाद डोब्रेनर आया, उसने अपना ट्राइएड लॉ पेश किया। तो उसको देख लेते हैं डोब्रेनर ने कैसे अपना ट्राइएड लॉ पेश किया। डोब्रेनर डोब्रेनर बेटा इसने 1829 में एक लॉ पेश किया। उस लॉ को इसने नाम दिया ट्राइएड्स लॉ इन 1829 में। डोब्रेनर अकॉर्डिंग टू ट्राइएड्स लॉ इसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन दी ग्रुप। पहली बार डोब्रेनर इसने एलिमेंट्स अरेंज्ड इनटू ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स। ये फर्स्ट इसका जो है ना वो रोल है डोब्रेनर का। और सेकेंडली इसने एटॉमिक वेट पे काम किया, ही अरेंज द एलिमेंट्स, इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया ग्रुप में, अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। एक तो इसने थ्री एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए और उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की, और सेकेंडली इसने एटॉमिक वेट की बेस पे एलिमेंट्स को ग्रुप में अरेंज किया। किस बेस पे? एटॉमिक वेट की बेस पे। और उसने ये कहा कि इन थ्री एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं ग्रुप में वो सेम होती हैं, सेम प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री एलिमेंट्स। इसने ये कहा कि जो थ्री एलिमेंट्स ग्रुप में अरेंज किए जाएं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं। तो ये किसने कहा? डोब्रेनर ने। तो ट्राइएड्स लॉ क्या है बेटा? अगर हम इसको प्रॉपरली डिफाइन करें, द ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स
in which the atomic mass of the middle element is the average of the top and bottom element. तो middle element का जो atomic weight होता है, middle atomic weight जो होता है, middle element का atomic weight, वो first element और third element के atomic weight के average के equal होता है. ये है triad law. तो अब हम discuss कर लेते हैं with different example triad's law को. ट्राइड लॉ क्या कहता है? अटोमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ टू एलिमेंट्स. एवरेज ऑफ टू एलिमेंट्स, ये है जी इसका ट्राइड्स लॉ. तो एग्जाम्पल दे देते हैं ट्राइड्स लॉ की. इसने ट्राइड लॉ पेश किया ग्रुप में. फॉर एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम. ट्राइड्स लॉ कहता है, डुब्रिनर ने कहा कि किसी भी ग्रुप पे कंसेक्यूटिव थ्री एलिमेंट्स अगर ले लिए जाए, किसी भी ग्रुप के कंसेक्यूटिव थ्री एलिमेंट्स ले लिए जाएं और उसमें से किसी मिडल एलिमेंट का एटॉमिक वेट जो होता है वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक वेट का एवरेज होता है. फॉर एग्जांपल हम सिलेक्ट कर लेते हैं ये थ्री एलिमेंट्स, और अगर हम बात करें इन थ्री एलिमेंट्स की, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम. लिथियम का एटॉमिक वेट होता है 7. सोडियम को हम बाद में देख लेते हैं कि किस तरह इसका फाइंड आउट होता है. पोटाशियम का होता है 39. तो इसने कहा कि अगर फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक वेट को का एवरेज ले लिया जाए, टू पे डिवाइड कर लिया, दोनों के एटॉमिक वेट को प्लस करके टू पे डिवाइड कर लें, तो ये हो जाता है 46 डिवाइडेड बाई 2. अगर इसको डिवाइड करें तो यह आता है 23. और आपने देखा कि ट्राइड्स लॉ कहता है कि अगर मिडल एलिमेंट का एटॉमिक वेट डिटरमाइन किया जाए तो फर्स्ट और थर्ड के एवरेज एटॉमिक मास के इक्वल होगा. और जब बाद में देखा गया कि सोडियम का जो एटॉमिक वेट था वो किसके इक्वल आया, 23 के आया. यही डुब्रिनर लॉ है, यही डुब्रिनर लॉ है. इसी तरह फिर उसने क्या किया, इसी ग्रुप में आप सोडियम, पोटाशियम और रुबिडियम में आप अप्लाई कर लें ये फार्मूला. और फिर इसने एक और एग्जांपल दी. हम डिफरेंट एग्जांपल डिस्कस करते जाते हैं ग्रुप्स में, देखते हैं कि डुब्रिनर लॉ एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा. उसके बाद सेकेंड ए ग्रुप में आ जाए. सेकेंड ए ग्रुप में हम देख लेते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम. इन थ्री एलिमेंट्स को ले लेते हैं सेकेंड ए ग्रुप में. जब इन एलिमेंट्स को लिया जाए तो बेरिलियम का एटॉमिक वेट होता है 9, कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है 40, और इन दोनों को आप प्लस कर लें, इनका एवरेज ले लें. 9 + 40 / 2, 49 / 2, और ये हो जाएगा 24.5, ऑलमोस्ट इक्वल टू 24, जो कि किसका एटॉमिक वेट होता है, मैग्नीशियम का होता है. और ये आप देख लें कि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक वेट इक्वल आता है वो 24 के इक्वल आता है. तो यहाँ भी ये लॉ सक्सेसफुल हुआ, डुब्रिनर का यहाँ भी लॉ अच्छा खासा सक्सेसफुल हुआ. अब देखा गया कि ये डुब्रिनर का लॉ क्या ग्रुप में ऑल एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल था? नहीं, ऐसा नहीं था. ये इसकी मेरिट्स तो थी लेकिन डीमेरिट भी थी. जब देखा गया, एक और एग्जांपल मैं आपके सामने पेश करता हूं. आपके सामने देखा गया कि जब हैलोजन का ग्रुप आया, हैलोजन के कौन कौन से एलिमेंट्स है, सेवंथ ए ग्रुप के एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ग्रुप के एलिमेंट्स हैं हैलोजन ग्रुप के. चले हम देख लेते हैं कि इन थ्री एलिमेंट्स पे क्या ये लॉ एप्लीकेबल होता है. तो इसको देख लें, तो देखा गया कि क्लोरीन के जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक वेट होता है, वो होता है 35.5, और आयोडीन का एटॉमिक वेट होता है 127. और जब इसका एवरेज लिया गया 35.5 + 127 / 2,
आप इसको कैलकुलेट कर लें, 127 और 35.5 57 512 और ये 6 और 162.5 डिवाइडेड बाय 2 तो ऑलमोस्ट ये आ रहा था 81.2 क्या आ रहा था 81.2 और अप्रॉक्सीमेटली ये इक्वल था ब्रोमीन का ऑलमोस्ट ये होता है 80 तक होता है 80 एटॉमिक वेट होता है तो यहां भी एप्लीकेबल था अगर एक दो एटॉमिक वेट का डिफरेंस आ जाता है 1-2 का तो ऑलमोस्ट कोई इशू नहीं होता तो यहां भी एप्लीकेबल था तो फिर डोब्रेनर का लॉ कहां तक एप्लीकेबल था और किस जगह एप्लीकेबल नहीं हुआ तो उसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं तो जब ये लॉ वेरी इंटरेस्टिंग जब ये डोब्रेनर का फार्मूला अप्लाई किया गया फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन पर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन पर तो देखते हैं कि एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता तो फ्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 19 और ब्रोमीन का होता है ऑलमोस्ट 80 जब इसका एवरेज लिया गया 19 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2 और ये हुआ आपके पास 9 और 9 डिवाइडेड बाय 2 और ये 2 4 8 2 9 ये हो गया 49.5 49.5 डोब्रेनर ला कहता है कि क्लोरीन का जो एटॉमिक वेट होना चाहिए वो 49.5 होना चाहिए लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं था और क्लोरीन का आपको पता है एटॉमिक वेट होता है 35.5 ये एटॉमिक वेट होता है देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन दैट इज द 35.5 और जो डोब्रेनर का लॉ कैलकुलेट करता है वो कहता है कि 49.5 था तो एक अच्छा खासा डिफरेंस था तो यही एक चीज थी जहां पे डोब्रेनर का लॉ एप्लीकेबल नहीं था दिस इज द डीमेरिट ऑफ डोब्रेनर लॉ तो डोब्रेनर लॉ ग्रुप में हर जगह फॉलो नहीं हो रहा था कुछ कुछ एलिमेंट्स पे फॉलो हो रहा था लेकिन कुछ एलिमेंट्स पे इन द ग्रुप वो फॉलो नहीं हो रहा था दिस इज द डीमेरिट ऑफ डोब्रेनर लॉ तो ये था जी छोटा सा टॉपिक डोब्रेनर ने क्या कंसेप्ट दिया डोब्रेनर ने एलिमेंट्स को ग्रुप में अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट और इसने कहा कि मिडिल एलिमेंट का किसी भी ग्रुप में कोई कंजेक्टिव 3 एलिमेंट्स अगर आप ले लेते हैं तो उसमें से मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होता है दैट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट लेकिन ये लॉ हर जगह एप्लीकेबल नहीं था ये आज मैंने एग्जांपल भी दी आपको और ये एप्लीकेबल नहीं था इसके बाद एक और साइंटिस्ट था उसका नेम है न्यूलैंड क्या है न्यूलैंड बेटा इसने न्यूलैंड ने 1864 में एक लॉ पेश किया और उस लॉ को नाम दिया ऑक्टेव्स लॉ न्यूलैंड और इसने न्यूलैंड ने ऑलमोस्ट 62 एलिमेंट्स को पीरियाडिक टेबल में अरेंज किया ऑलमोस्ट 62 एलिमेंट्स वर अरेंज्ड वेरी इंटरेस्टिंग न्यूलैंड ने ऑक्टेव लॉ पेश किया किस बेस पे पेश किया ये ऑक्टेव वर्ड कहां से आया तो इसकी छोटी सी स्टोरी है वेरी इंटरेस्टिंग है बेटा जो न्यूलैंड था ये म्यूजिक को लाइक करता था म्यूजिक को बहुत लाइक करता था और म्यूजिक में ट्यून्स होती हैं 7 और 7 के बाद जो 8th ट्यून होती है वो सेम रिपीट हो रही होती है जो फर्स्ट होती है तो 8वीं जो ट्यून होती है वो फर्स्ट वाली रिपीट हो रही होती है तो इस कॉन्सेप्ट की बेस पे इसने एक लॉ पेश किया उसका नेम है ऑक्टेव्स लॉ ऑक्टेव्स लॉ कहता है कि इफ एलिमेंट्स आर अरेंज व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट इन असेंडिंग
order of their atomic weight. इसने कहा कि when elements are arranged in ascending order of their atomic weight, the property of eighth element resemble with the first element. तो eighth element की जो property है वो resemble कर रही थी किसके साथ, resemble with the first element. Very interesting. और सबसे मेन बात, न्यूलैंड ने फर्स्ट टाइम एलिमेंट्स को ग्रुप में अरेंज किया. फर्स्ट टाइम पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन दी ग्रुप्स. तो ये न्यूलैंड ही था जिसने फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में एलिमेंट्स को ग्रुप में अरेंज किया और पीरियोडिक लॉ पेश किया. और क्या पेश किया? पीरियोडिक लॉ इसने पेश किया न्यूलैंड में. यह था जी न्यूलैंड का कारनामा. अब हम देखते हैं कि किस तरह इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया और किस तरह एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी थी वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच कर रही थी. एग्जाम्पल ले लेते हैं, ग्रुप ले लेते हैं, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स ले लेते हैं. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. और उसके बाद जब थर्ड पीरियड रिपीट होता है, लिथियम के बाद सोडियम, देन मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन. आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इस तरह ये सेकंड ए कंसीडर होते हैं, ये थर्ड ए के एलिमेंट्स हैं, इस तरह ये फोर्थ ए, ये फिफ्थ ए, सिक्स ए और ये सेवंथ ए ग्रुप से बिलोंग करते हैं ये एलिमेंट्स. उसने कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, देखिए लेफ्ट टू राइट एटॉमिक वेट इंक्रीज हो रहा है, अगर अरेंज कर लेते हैं तो आठवें ग्रुप के जो एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले के साथ मैच कर रही होंगी, रिजेंबल कर रही होंगी. तो ये एलिमेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड, सेवंथ. सातवां एलिमेंट फ्लोरीन है और दिस इज द एट्थ एलिमेंट. कौन सा एलिमेंट है? एट्थ अकॉर्डिंग टू द लिथियम. अगर हम लिथियम के साथ इसकी प्लेस चेक करें तो ये आठवां एलिमेंट है. तो आठवां एलिमेंट कौन बन रहा है? लिथियम का जो आठवां एलिमेंट है वो सोडियम है. और उसने कहा कि लिथियम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सोडियम के साथ मैच करती हैं. वेरी इंटरेस्टिंग. और अगर उसने कहा कि बेरिलियम जो है, अगर हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का जो आठवां एलिमेंट बनता है वो मैग्नीशियम बनता है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8. तो बेरिलियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम के साथ मैच करती है. इस तरह ब्रोन का जो आठवां एलिमेंट है वो एल्युमिनियम है. कार्बन की प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मिलेगी. नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी फास्फोरस से मैच करेंगी. ऑक्सीजन की सल्फर से और फ्लोरीन की क्लोरीन से. यही लॉ है, इस लॉ को कहा जाता है ऑक्टेव्स लॉ. क्या कहा जाता है? ऑक्टेव्स लॉ, ऑक्टेव्स लॉ ऑफ न्यूलैंड. यही लॉ है. Elements are arranged in ascending order of their atomic weight and the property of eighth element resemble with the first element. This is known as octaves law. तो अब lithium की sodium से, beryllium की magnesium से, boron की aluminium से, carbon की silicon से, nitrogen की phosphorus से, oxygen की sulfur से और fluorine की chlorine से match हो रही थी. क्या ये law authentic था? क्या ये law applicable था? क्या ये law आज भी मॉडर्न पीरियड टेबल में एप्लीकेबल है या नहीं है? अब इसकी डीमेरिट्स देख लेते हैं. डीमेरिट्स, क्या ये लॉ ऑथेंटिक था? नहीं. व्हाट आर द डीमेरिट्स? डीमेरिट्स ऑफ न्यूलैंड्स,
एक प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम ऑफ डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस। ये एक इसके लिए मेन प्रॉब्लम था। जब न्यूलैंड वर्क कर रहा था और एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा था तो उस टाइम नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड। और आपको पता है कि नोबल गैसेस आठवें एक ग्रुप से बिलोंग करती हैं, तो एट्थ पोजीशन नोबल गैसेस की है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। जबकि न्यूलैंड काम कर रहा था तो उस वक्त नोबल गैसेस थी ही नहीं, तो आठवां एलिमेंट फिर दोबारा जो है वो अल्कली मेटल में आता था। और वो न्यूलैंड बड़ा खुश हो गया था कि जी मेरी बड़ी बात है, हैं, मैं तो सक्सेसफुल हो गया हूं। तो जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो उस वक्त जो एट्थ एलिमेंट आ रहा था वो नोबल गैस आ रहे थे। और आपको पता है कि नोबल गैस की प्रॉपर्टी अल्कली मेटल के साथ दूर दूर तक मैच ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि नोबल गैसेस की जो ऑक्टेट रूल है वो कंप्लीट है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करना चाहती, उनके ऑक्टेट कंप्लीट है, वो स्टेबल है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहती। जबकि अल्कली मेटल्स वो तो रिएक्टिव हैं, उनकी लॉस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का रिमूवल बहुत इजी है, दे आर द रिएक्टिव, तो उनकी प्रॉपर्टी नोबल गैस के साथ मैच ही नहीं करती। तो दोबारा एग्जांपल ले लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियोन। दिस इज द नोबल गैस। अब अगर इसी पे लॉ अप्लाई किया जाए, ऑक्टेव्स लॉ, तो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ एलिमेंट आता है नियोन। तो जब नोबल गैसेस डिस्कवर हो गई तो उस वक्त ये लॉ हो गया फ्लॉप। ये लॉ क्या हो गया? फ्लॉप हो गया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट का जो एट्थ एलिमेंट बन रहा है वो नोबल गैस है, और नोबल गैस की प्रॉपर्टी डजंट मैच विद द फर्स्ट एलिमेंट, डजंट मैच विद द अल्कली। इसी तरह अगर हम बात करें लिथियम के बाद सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, और क्लोरीन के बाद आ जाता है आर्गन। तो अगर हम आठवें एलिमेंट की बात करें तो लिथियम की प्रॉपर्टी नियोन से मिलती हैं, और बेरिलियम की प्रॉपर्टी आठवां किस से मिलती हैं? सोडियम से, जो कि इनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती। ब्रोन की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मिलती है, अगर हम बात करें डोब्रेनर लॉ को, सॉरी ऑक्टेव्स लॉ को, तो ये भी मैच नहीं करती। कार्बन की एल्यूमिनियम से ये मैच नहीं करती, नाइट्रोजन की सिलिकॉन से मैच नहीं करती, तो ये लॉ हो गया फ्लॉ। तो ये एक इसकी डीमेरिट थी, फर्स्ट पॉइंट कि प्रॉब्लम ऑफ डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस। दूसरा क्या प्रॉब्लम था कि दिस लॉ वॉज एप्लीकेबल ऑन द लाइटर एलिमेंट्स। This law was applicable on lighter elements पे applicable था। यानी कि कैल्शियम तक ये law applicable था, 20 atomic number तक ये law applicable था। तो जैसे ही हैवियर एलिमेंट डिस्कवर हुए, हैवियर एलिमेंट जैसे ही डिस्कवर हुए तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं था। लाइक स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, जैसे ही ये हैवियर एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई तो ये लॉ तब भी एप्लीकेबल नहीं था। तो ये दो जो हैं, इसके टू जो हैं वो मेन डीमेरिट्स थे, इसके फ्लॉ थे, इसकी डीमेरिट्स थी। तो इन डीमेरिट्स की वजह से ये लॉ भी सक्सेसफुल नहीं था। तो आज का ये लेक्चर हमारा यहाँ पे एंड हुआ, और यहाँ से बेटा हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे मेंडलीफ, कि मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल में कैसे अपनी सक्सेस पेश की और किस हद तक मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल आज भी अथेंटिक माना जाता है। तो इसकी डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं, और उस वक्त तक इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।